जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे नवरात्र के नौवें दिन माँ सिद्धि रात्रि की पूजा विधि, रंग भोग मंत्र फूल कथा के साथ संपूर्ण जानकारी। हर कार्य में चाहते हैं सफलता तो महानवमी के दिन जरूर कर लें, यह एक उपाय। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सब कुछ जानेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों नवरात्र के अंतिम दिन जो होता है, नवरात्रि का अंतिम दिन महानवमी। महानवमी के दिन दुर्गा के नौ रूप का यानी कि माँ सिद्धि रात्रि की पूजा की जाती है। माँ सिद्धि रात्रि की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं आज के दिन माँ की उपासना पूरे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता तो यह भी है कि माँ की पूरे विधि विधान से पूजा करने से सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। इनकी कुछ रोचक कथाएं हैं दोस्तों, पहले मैं बता देती हूँ फिर पूजा विधि आपको बताऊँगी। जैसे कि भगवान शिव ने माँ सिद्धि रात्रि की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इस सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्थित्व और विशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धि रात्रि के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से 8 सिद्धि और 9 निधि बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। दोस्तों माँ सिद्धि रात्रि की सही पूजा विधि जो होता है, इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्र का आखिरी दिन है तो इस दिन माँ की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की मूर्ति रखकर ये जो स्वरूप है माँ सिद्धि रात्रि का जो स्वरूप है, आप इनकी मूर्ति लगा सकते हैं या प्रतिमा आप रख सकते हैं। रख करके और आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दें। इसके बाद माँ के नाम से आहुति दें। हम आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। देवी के बीज मंत्र जो हैं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। करते हुए आप आहुति दें या 21 बार, 108 बार नहीं जप कर सकते तो 21 बार, 51 बार ऐसे बोलकर आप आहुतियां दे सकते हैं। माँ का पसंदीदा रंग जो है वो है, माँ सिद्धि रात्रि का पसंदीदा रंग गुलाबी है, जो प्रेम, करुणा और ताजगी का प्रतीक है। माँ सिद्धि रात्रि के लिए भोग और मंत्र क्या है? दुर्गा नवमी पर दोस्तों भक्त माँ सिद्धि रात्रि को नारियल, खीर, पुआ और पंचामृत का भोग लगाते हैं। इस दिन सभी भक्त कन्या भोज या कन्या पूजा भी करते हैं और देवी को प्रसाद के रूप में भी पूड़ी हलवा भी चढ़ाया जाता है। ऐसा नियम है, बहुत जगह का नियम ऐसा होता है। माँ सिद्धि रात्रि की आरती भी आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों उनका एक मंत्र और है जो आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको याद हो सके तो आप इसे जरूर बोलिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रात्रि रूपेण संसिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का भी आप 108 बार जप कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना समर्थ हो इस मंत्र का जप जरूर कर लें। दोस्तों नौमी तिथि के दिन आपको एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। नौमी तिथि के दिन माँ को एक पान के पत्ते में पीली कौड़ी, सुपारी और 1 रुपये का 1 सिक्का एक लाल कपड़े में रखकर इसे पूजा के दौरान रख दें और पूजा समाप्त होने के बाद इसे कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या फिर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी जो है हमेशा के लिए दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। तो इस उपाय को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये तो हो गई सुख समृद्धि के लिए, अब चलिए सौभाग्य के लिए। सभी महिलाओं को एक काम जरूर करना चाहिए, नवमी तिथि के दिन आप महानवमी के दिन मंदिर जाकर माँ को 8 कमल के फूल चढ़ाएं और माँ की गोद में लाल चुनरी
चुनरी में मखाने, बतासे और सिक्के रख दें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में धन धान्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों अब चलिए शुभ मुहूर्त जानते हैं कन्या पूजन का। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रात्रि के 7:58 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर को शाम के 5:44 पर। कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों वो है सुबह के 6:27 से लेकर के सुबह के 7:51 पर, दोपहर के 1:30 से लेकर के दोपहर के 2:55 पर, शाम के 4:19 से लेकर के रात के 7:09 पर। महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 6:27 से शाम के 5:14 तक है और रवि योग पूरे दिन। इस वजह से आप 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 से लेकर के आप जो है कन्या पूजन किया जा सकता है, यानी कि 6:27 के बाद कभी भी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।